तो प्रश्न ये है कि वरिष्ठ वैष्णव का या शिक्षा गुरु का चुनाव कैसे करें। क्या गुरु हमें किसी वैष्णव से जिससे जोड़े वैसे करें, या हम लोग अपने हिसाब से हम वैष्णव अपने शिक्षा गुरु का वरिष्ठ वैष्णव का चुनाव कर लें जिससे हम मार्गदर्शन लेते रहें। अब अपने आप चुनाव करने में प्रॉब्लम क्या है कि कभी किसी का चुनाव कर रहे हैं, कभी किसी का चुनाव कर रहे हैं, एक के साथ स्थिर नहीं होकर रह पा रहे। तो हमें क्या करना चाहिए हमें? नहीं तो देखिए, एक तो पथ प्रदर्शक गुरु होता है जो आपको भक्ति में लेके आया, जिसने आपका हाथ पकड़ा और आपको डिवोशन में लेके आ गए। अब जब आप भक्तों के समाज में प्रवेश करते हो तो वहाँ पे आपको अनेक भक्त मिलते हैं, और जब आप आते हो एक नए भक्त के लिए तो सारे वरिष्ठ हैं। जब मैं 2001 में जब मैं जुड़ा था भक्ति में, तो मेरे लिए तो सारे वरिष्ठ थे, तो आज भी हैं मेरे लिए, लेकिन मतलब अगर हम लॉजिकली बात करें तो सारे वरिष्ठ हैं हमारे लिए, तो नए व्यक्ति के लिए। तो उस समय उसको सुनना चाहिए, 3 4 5 6 महीने तक उसको अलग अलग वैष्णवों को सुनना चाहिए, उनसे डिस्कशंस करने चाहिए, वार्तालाप करना चाहिए, और धीरे 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 एक वैष्णव पर फोकस लेके आना चाहिए। 6 महीने का टाइम लगाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप 50 लोगों का संग करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और धीरे धीरे लेकिन करते करते एक वैष्णव के ऊपर अपना फोकस ले आओ, और फिर उस वैष्णव का आप संग करना शुरू कर दो। अब उस वैष्णव को आप अगले 8 10 साल तक फिर नहीं छोड़ सकते, छोड़ना नहीं चाहिए, अनलेस कि उसका फॉल डाउन हो जाए या वो बिल्कुल ही शास्त्रों के विरुद्ध ही बात करना शुरू कर दे, तो नहीं छोड़ना चाहिए। क्योंकि हमारी कोमल श्रद्धा होती है। कोमल श्रद्धा के अंदर क्या होता है कि हम कभी इधर जाएंगे, कभी उधर जाएंगे, ये भक्त सही है कि वो भक्त सही है, सारे सही हैं, वो भी सही है, वो भी सही है, लेकिन उसका भाव अलग है, इसका भाव अलग है। एक भक्त हो सकता है कीर्तन पे जोर दे रहा हो, एक भक्त हो सकता है डेटी वर्शिप पे जोर दे रहा हो, एक भक्त हो सकता है रीडिंग पे जोर दे रहा हो, एक भक्त हो सकता है बुक डिस्ट्रीब्यूशन पे जोर दे रहा हो। अब आप जिस भी भक्त से आप बात करोगे, वो अपनी स्वभाव अपनी रुचि के अनुसार आपको मार्गदर्शन देगा। तो एक ने बोला कि ऐसे कर लो, दूसरे ने बोला वैसे कर लो, तो ये बात सही है कि ये बात सही है? दोनों सही है, दोनों सही हैं। तो अब आपके मन में ये कन्फ्यूजन आ जाएगी, भाई इसकी बात मानूँ या उसकी बात मानूँ, ये प्रॉब्लम है। इसीलिए आप पहले एक वरिष्ठ वैष्णव को चुनाव करने में कि मुझे किसको अपना आध्यात्मिक जीवन जीवन सौंपना है, मुझे पहले उसके ऊपर आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। आपकी सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट वो है, और आपने एक बार वो इन्वेस्ट कर दिया। जनरली क्या होता है कि आप जिस एरिया में, जिस लोकेलिटी में आप बेस्ड हैं, दिल्ली NCR बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि वहाँ पे 1 करोड़ डिवोटीज हैं अवेलेबल, लेकिन दिल्ली NCR के बाहर ऐसी प्रॉब्लम नहीं आती। एक वरिष्ठ वैष्णव होता है, सब लोग उसी के साथ कनेक्टेड होते हैं, लेकिन दिल्ली NCR के डिवोटीज, उनको ये फैसिलिटी भी है और उनके लिए श्राप भी है ये, कि उनके पास 50 थालियाँ अलग अलग पकवान से भरी हुई रखी हुई हैं। तो उसको देखो मलल चाल जाता है, इसको देखो मलल चाल जाता है, ये खाऊं या वो खाऊं, ये हमेशा मन में शंका बनी रहती है। अब जहाँ तक आपकी बात है कि जिसकी बात हमें अच्छी लगती है उसकी बात मानना शुरू कर देते हैं, हमने एक वैष्णव से पूछा, हमने वही प्रश्न दूसरे से पूछा, तीसरे से पूछा, तो जिसकी बात हमें अच्छी लगती है हम उसकी बात मानना शुरू कर देते हैं, ये बहुत बड़ी गलती है। जिसकी बात अच्छी नहीं लगती, जिसकी बात हमें हमारे कंडीशनिंग, हमारे जो बद्ध हमारा जीवन है उसमें जो बात हमें सूट करती है हम उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, जो बात सही होती है
ज़रूरी नहीं है कि जो सूट कर रही है और जो सही है दोनों एक ही हों, दोनों अलग अलग हो सकती हैं। तो हम कई बार क्या होता है कि हम कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं, अपने आप को चीट करते रहते हैं हम, कि हमने एक से पूछा, उसने हमें ऐसी बात बताई, हमें लगता है यार ये तो बड़ी मेहनत लगेगी इसमें, इसमें बड़ी प्रॉब्लम है, फिर दूसरे के पास चले जाते हैं, उसने कुछ बोल दिया थोड़ा सा, हमें लगता है यार ये हो सकता है, और बस फिर वो पहले वाले की बात छोड़ के इसकी बात पकड़ के उसको हम फॉलो करना शुरू कर देते हैं। अब जो पहले वाला था जिससे हमने पूछा था, वो देखता है कि भाई इसने पूछा कुछ और था, कर कुछ और रहा है, तो आप अगली बार जाओगे तो फिर वो जो फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन है, जो फ्लो ऑफ मर्सी है, वो नहीं आ पाता। फिर फ्लो ऑफ मर्सी आने के लिए जो वरिष्ठ वैष्णव है उसको भी ये क्लियर होना चाहिए कि ये मेरे पे आश्रित है भैया, मुझे मार्गदर्शन देना है इसको, मैं जो बोलूँगा ये सीरियसली करेगा, उसको उसके हिसाब से फिर वो भगवान प्रेरणा देते हैं, वो जो स्फूर्ति होती है कि अब जो शिक्षा कौन सी इसको देनी है, अगला स्टेप क्या है, वो फिर उसके हिसाब से भगवान आगे प्रेरणा दे देते हैं। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो फिर वो कहीं ना कहीं ब्लॉकेज आ जाती है, कहीं ना कहीं रुकावट आ जाती है, वो फुल फ्लो ऑफ मर्सी जो है वो फ्लो नहीं कर पाता। तो आप चुनाव कीजिए एक वैष्णव को, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप 50 डिवोटी से बात करो, आप कहते हो जी हम 4 से बात करते हैं, अरे आप 40 से बात करो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन आप उनसे बात करके, उनसे व्यवहार करके धीरे धीरे एक पे पहुँच जाओ, फिर उसके साथ में आप वार्तालाप करो। कई बार क्या हो सकता है कि आपको लेस देन बेस्ट डिवोटी के साथ में संतोष करना पड़े। सपोज आपने कोई भक्त, आपने जो है सोच लिया को मैं इस फलाने भक्त से संग करूँगा, अब वो रहता है बॉम्बे, आप उससे मिल नहीं सकते जाके, वो आप फ़ोन करोगे वो बिज़ी है, फ़ोन नहीं उठाएगा आपका, वो 10 बार आप करोगे एक बार उठाएगा आपका फ़ोन, आपका मन वैसे टूट जाएगा हौसला। तो आपको ये भी देखना पड़ेगा कि ज्योग्राफिकली जो है आपको वो भक्त अवेलेबल होना चाहिए, आप उससे बात कर सकें, आपके पास अवसर होना चाहिए, उसके पास टाइम टू टाइम आप कभी जाके उससे मिल पाएँ, तो जाके बात आपकी आगे बढ़ती है। ये बहुत सारी कंसिडरेशन इसके अंदर देख के चलना पड़ता है। लेकिन अगर हम 10 जगह जाके बात करते रहेंगे लंबे समय तक तो प्रॉब्लम है। आप चुनाव करने में टाइम लगाइए लेकिन फिर एक के साथ मिलकर चलिए, 10 साल के बाद में आपको लगे नहीं मैं आप किसी और के साथ संग करना चाहता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप उनसे परमिशन लो, चले जाओ संग करने के लिए, कोई परेशानी नहीं, आपको कभी दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन हम कई बार एंग्जाइटी के अंदर बचपने में कई बार हम एक्शंस कर लेते हैं कि वो जो वरिष्ठ वैष्णव है वो भी कहते हैं यार पता नहीं क्या कर रहा है, ये अजीब सी बातें, चलो जब इसको समझ में आएगी तब देखेंगे, अभी किसी और पे फोकस करता हूँ, आपका चांस ख़त्म हो जाता है वहाँ पर। तो ना घर के रहते हैं ना बाहर के रहते हैं। तो ये जो बात है, ये प्रश्न आपने पूछा है, लेकिन ये जितने भी नए भक्त हैं सभी इस बात का शिकार हैं। वो तो इससे बचना के लिए टाइम लगाना चाहिए शुरू में, और एक भक्त के बारे में, एक भक्त के प्रति अपनी श्रद्धा को जहाँ पर टिके फिर उसके साथ मिलके आगे बढ़ना चाहिए। इसके अलावा तरीका नहीं है कोई बेसिकली।